हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको हेयर स्पा करना बताऊंगी घर पे खुद से। वैसे ज़्यादातर तो सलून में हेयर स्पा करते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो आप घर में भी हेयर स्पा कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली हेयर स्पा क्रीम है होम कैरेटीन की, ठीक है, आर्गेन लिस कैरेटीन हेयर स्पा क्रीम। बहुत अच्छी हेयर स्पा क्रीम है और मैंने इसे लगभग 3 से 4 बार इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद भी इस क्रीम में, इस डब्बे के अंदर मेरी इतनी क्रीम अभी भी बच रही है। ये 4th time मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर स्पा क्रीम। तो अब मैं आपको ये हेयर स्पा करके दिखाऊंगी खुद से, अपने आप से। इसमें बस एक मसाज हम खुद से नहीं कर सकते हैं, बाकी हेयर स्पा हम खुद से कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बाल मेरे, मैंने स्मूथनिंग करा रखी है और मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, इसलिए मैं ये वाली हेयर स्पा कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं ये बायोलेस का सीरम ऐड करूँगी। मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये पेस्ट बना के रख लिया है, ये पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। इसमें मैंने हेयर स्पा क्रीम और ये बायोलेस का सीरम ऐड किया है। ज़्यादा नहीं, 10 to 15 drops मैंने इसके अंदर डाली हैं और ये मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं, और इस हेयर स्पा करने से पहले किसी भी शैम्पू से, कोई लाइट वेट शैम्पू, ज़्यादा हार्ड वाला शैम्पू नहीं, लाइट शैम्पू से आप अपने बालों को अच्छे से धो लें। धोने के बाद ये हेयर स्पा क्रीम अपने बालों में लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको अपने बालों में लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिए। अब मैं ये क्रीम अपने बालों में अप्लाई करूँगी और आफ्टर रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। आफ्टर ये करने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मेरे बालों में कितना शाइनिंग आ जाएगा ये वाली क्रीम है लगाते। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लास्ट में इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। मोस्टली हम पार्लर में जब जाते हैं तो 4-way section निकाल के ही हेयर स्पा किया जाता है, बट क्या है, हम खुद से नहीं कर पाएंगे 4-way section निकाल के, इसलिए मैं सारे बाल इधर को करके और अपने इस तरफ से लास्ट साइड से थोड़ा सा क्रीम लूंगी। रूट्स से टच करके इसको हमें अपने पूरे बालों में लगाना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेने हैं, बालों में लगाना है। उसके बाद ऐसे अप्लाई करना है अपने बालों में। ऐसे करके छोटे छोटे पार्टीशंस निकाल के इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। ये हम खुद से करते हैं तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है करना, बट अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको नहीं जा सकते आप पार्लर, क्योंकि हेयर स्पा करने का जो टाइमिंग होता है वो लगभग 1 घंटा होता है। अगर किसी के पास 1 घंटा नहीं है, ऑफिस गर्ल्स हैं, टाइम नहीं है, तो वो खुद से भी कर सकती हैं घर पे। देखिए, इस तरीके से आपको हेयर स्पा करना है। थोड़ी थोड़ी क्रीम लेनी है और पूरे बालों में अप्लाई करनी है। इसको लगा ऐसे ही, हमें सारे बालों को ऐसे ही, सारे बालों में हमें क्रीम अप्लाई करनी है। देन इसे 15 मिनट्स के लिए इसको हमें छोड़ देना है। देखिए गाइस, क्रीम मैंने अप्लाई कर ली है बालों में। अब अगर आप चाहें तो आप हल्की हल्की अपने हाथों से ही मसाज दे सकते हैं, बट अपने हाथों से मसाज में वो रिलैक्स नहीं मिलता है जो हमें किसी दूसरे के हाथों से रिलैक्स मिलता है। बट अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे सर में अच्छे से एक मसाज ले लें। मुझे तो रिलैक्स नहीं मिलता है अपने आप से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मसाज करती हूँ, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस मसाज करके ये क्रीम मैंने अपने पूरे बालों में अप्लाई कर ली है और कोई सेक्शन क्लिप या क्लचर कुछ भी हो, उसकी हेल्प से आप अपने बाल को 15 से 20 मिनट के लिए क्रीम को लगा हुआ छोड़ दें। अगर आप स्टीम देना चाहते हैं, अगर आपके पास घर में स्टीमर है तो वेल एंड गुड है, आप अपने वो स्टीमर को में अपने बालों को थोड़ी देर के लिए स्टीम ले लें अपने सर में। अगर नहीं है स्टीमर तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी गर्म करिए,
पानी को गर्म करके उसमें टॉवल को भिगा के और वो टॉवल को निचोड़ के अपने बालों में दो बार अपने बालों में उसको लपेट लें। उससे भी आप स्टीम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हर किसी के घर में स्टीमर हो। तो अगर स्टीमर नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टॉवल को गीला करिए गर्म पानी में। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए पानी, नॉर्मल पानी में गर्म करके और टॉवल को निचोड़ के और अपने बालों में लपेट के रख लीजिए। अभी मैं यही करने जा रही हूँ, मेरा पानी गर्म हो रहा है तो मैं टॉवल को लपेट लूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए वो टॉवल अपने बालों में लपेट के रखूँगी, उसके बाद मैं अपना ये हेयर स्पा रिमूव कर दूँगी यानी हेड वॉश कर लूँगी। फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगी कि इस हेयर स्पा का कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना शाइन आता है इस हेयर स्पा से। तो अगर आपको ये हेयर स्पा क्रीम या ऐसा ही हेयर स्पा कराना है तो होम सर्विस अवेलेबल है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके देखिए। गाइस मेरा हेयर स्पा फाइनल हो चुका है और फाइनल लुक ये आया है मेरे हेयर स्पा का। शाइनिंग देखिए, इतनी जबरदस्त शाइनिंग आई है, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हेयर स्पा। अगर आप भी ऐसा ही हेयर स्पा कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं होम सर्विस यानी कि घर आके भी ये हेयर स्पा आपका कर दूंगी। और इस हेयर स्पा का कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में मैं आपका ये हेयर स्पा करूंगी विद अच्छी सी मसाज के साथ, हेड मसाज के साथ। सो अगर आपको भी ऐसा हेयर स्पा कराना है और ऐसा रिजल्ट चाहिए, देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने सॉफ्ट लग रहे हैं बाल, एक भी बाल ऐसे फंस नहीं रहा है, ये देखिए इजीली। तो अगर आप भी ऐसा हेयर स्पा कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। हेयर स्पा, फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं घर पे आके आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ विद नेल एक्सटेंशन। अगर आप नेल एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो मैं नेल एक्सटेंशन के लिए भी, पार्टी मेकअप, HD मेकअप, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ मेरे प्रोफाइल पर जाके देखें कि आपको ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो अगर आप ऐसा हेयर स्पा, मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्यूटी वर्क से रिलेटेड कुछ भी कराना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको होम सर्विस घर आके ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।